नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल पे। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया आपके सामने। इससे पहले हम लोगों ने इंडो ग्रीक यानी यूनानियों के आक्रमण के संबंध में पढ़ा था। आज उसके आगे की श्रृंखला हम लेके आए, जैसा कि मैंने बताया था कि कौन कौन किस किस तरह से आए हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि पहले यूनानी आए या इंडो ग्रीक आए, उसके बाद शक आए, उसके बाद पहलो आए और पहलो के बाद कुषाण आए। तो आज हम जो दो टॉपिक को कवर करेंगे, हमारा एक है शक और एक है पहलो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग फिर कुषाण के बारे में देखेंगे। कुषाण काफ़ी लंबा है तो कुषाण के बारे में अलग से देखेंगे हम लोग, लेकिन आज हम शक और पहलो दो टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए आइए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने ला रहा हूँ। उस महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर तब तक आप दीजिए, तब तक मैं इसको समझाता हूँ। पहला प्रश्न है हमारा कि ज्योतिष के क्षेत्र में भारत किसका ऋणी है। भारत किसका ऋणी है ज्योतिष के क्षेत्र में, ये पहला प्रश्न है आपका। इसी सेक्शन से आता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी सेक्शन से आता है, लेकिन आपको बताना है। मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, मैं आपको भी बताऊँगा बाद में इस वीडियो के कंप्लीट होते होते, लेकिन अभी आपका पहला प्रश्न ये है ज्योतिष के क्षेत्र में भारत किसका ऋणी है, इसको आप ध्यान दीजिए, इसका उत्तर तो सोचिए। दूसरा प्रश्न ये है कि भारत पर यौनों या अर्थात इंडो ग्रीक का जो प्रथम आक्रमण होता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, किस शासक के काल में हुआ, किस शासक काल में हुआ जो मौर्योत्तर काल में था। और मौर्योत्तर काल के बाद का मैं जितने सभी शासकों के बता चुका हूँ आपको, कौन कौन थे, कौन कौन शासन, किन किन लोगों ने शासन किया, कौन कौन से शासक आए, उसके बारे में बता चुका हूँ। लेकिन आपके सामने ये प्रश्न है कि भारत पर इंडो ग्रीक का प्रथम आक्रमण किसके शासन काल में हुआ जो मौर्योत्तर काल में था, जो उत्तर में शासन कर रहा था। तो ये आपको दो प्रश्नों का उत्तर देना, तब तक मैं आइए जल्दी से शुरू करते हैं टॉपिक को, शक और पहलो। शक और पहलो, पहलो को हम लोग पार्थियाई भी कहते हैं। हम शकों के बारे में पहले पढ़ेंगे, पहले देखें शकों के बारे में। शकों के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है ये देखें हम लोग। शकों के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, महाभाष में। तो महाभाष किसकी है, पतंजलि की, पतंजलि द्वारा लिखी गई है, पतंजलि। तो पतंजलि द्वारा लिखी गई, और पतंजलि किसके पुरोहित है, पुष्यमित्र शुंग के। तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित है पुष्यमित्र शुंग, मैं बता चुका हूँ आपको, याद रखेंगे पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग जिसने बृहदत्त की हत्या करके मौर्य शासक, अंतिम शासक मौर्य काल के बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, ब्राह्मण धर्म की स्थापना की थी, ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी। और पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित थे पतंजलि थे, और पतंजलि द्वारा लिखी गई है महाभाष, और महाभाष में कई चीज़ों का उल्लेख है। तो यहाँ पर शकों के बारे में भी बताया गया है। जो शक आए वो कहाँ से आए, तो बोलन दर्रा, जो कि पाकिस्तान में है, बोलन दर्रे से ये लोग प्रवेश करते हैं, शक शासक भारत पर अटैक करते हैं यहाँ पर। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, पहले हिंदू नानी आए, फिर शक आए, फिर पहलो आए, और फिर उसके बाद कुषाण आते हैं। ये विदेशी आक्रमणकारी हैं, ठीक है, चलिए आते हैं। शकों की 5 शाखाएँ थी, जब शक आए हैं तो 5 शाखाएँ थी, 5 जगहों, मतलब 5 जगहों पर इन्होंने अपना शासन करना स्टार्ट किया, अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। पहला तो दो भागों में हमने इसको पहले बांटा है, फिर उसको हम बताएंगे कौन 5 शाखाएँ थी। एक था भारत, जिसके बारे आप जान ही रहे हैं, भारत में भी कई जगह पर लोगों ने सबसे ज़्यादा भारत पर ही इन्होंने, मतलब कि अपनी जो शासन, जो पोजीशन थी, इन्होंने तय की थी कि इसी जगह पर हम क्या करेंगे, शासन करेंगे। दूसरा था अफगानिस्तान, ठीक है, तो भारत और अफगानिस्तान समझेंगे। अफगानिस्तान में कौन सी लिपि मिली है, किस लिपि के अभिलेख मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अफगानिस्तान में अरेमाइक और ग्रीक इस लिपि के शिलालेख मिले हैं। और खरोष्टी कहाँ से मिली है, ध्यान देंगे, खरोष्टी कहाँ से मिली है, पाकिस्तान, ये सब याद करते चलिएगा आप लोग। तो खरोष्टी कहाँ से, पाकिस्तान, अभी इसका भी जिक्र करेंगे, खरोष्टी का भी जिक्र करेंगे अभी। और अरेमाइक ग्रीक कहाँ से मिला है, अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान में इनका था शासन और भारत में था। अब देखते हैं कहाँ पर 5 शाखाएं इन्होंने स्थापित की थी। 5 शाखाएं कहाँ थी, पहली शाखा अफगानिस्तान में, जैसा कि बताया मैंने आपको, दूसरी शाखा थी पंजाब में, दूसरी कहाँ थी, पंजाब में, और तीसरी शाखा मथुरा यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है, और चौथी शाखा पश्चिमी भारत, पश्चिमोत्तर, जम्मू कश्मीर, गांधार, इधर सब जगह पर, और ऊपरी दक्कन, मतलब दक्कन का ऊपरी क्षेत्र, मालवा वालों के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी इन लोगों ने किया। उज्जैन, आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, तो उज्जैन जो है
उज्जैन पर मतलब मालवा के आसपास का क्षेत्र जो है वहाँ पर भी इन लोगों ने क्या किया है, शासन किया है, और पश्चिमी भारत में भी किया, पश्चिम भारत मतलब अफगानिस्तान आप जान ही रहे हैं, अफगानिस्तान से आगे बढ़ेंगे तो पश्चिमी भारत का इलाका आ जाएगा, मथुरा में भी किया और पंजाब में भी किया, ठीक है। तो सबसे पहले पंजाब पे ही आए होंगे ये लोग, ठीक है, तो पंजाब भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से इन्होंने पांच जगहों पर शासन किया, याद रखेंगे। और इसको अगर दो मुख्य भागों में डिवाइड करें तो भारत और अफगानिस्तान तो है ही, जैसा आप जानेंगे, ठीक है। अब आएंगे भारत में पहला सख्त शासक कौन था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से याद करते चलेंगे। भारत में पहला सख्त शासक कौन था, महावेज। तो महावेज कौन था, पहला सख्त शासक था जो जिसने कहाँ पर शासन किया, तक्षशिला में। इसने एक सख्त संवत की शुरुआत भी की थी, तो इसने सख्त संवत की शुरुआत भी की थी, महावेज था वो, उसका नाम क्या था, महावेज। किसने कहाँ पर शासन किया, तक्षशिला में, ठीक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला शासक, तो पहला शासक का नाम जरूर याद रखेंगे। तो पहला शासक कौन था, महावेज, तक्षशिला शासन किया। अब आते हैं उज्जैन। जैसा कि मैंने बताया ऊपरी दक्कन मालवा का क्षेत्र जो उज्जैन, उज्जैनी है, जो उज्जैन का जो क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पर भी इन्होंने शासन किया। जैसे मैंने बताया तो उज्जैन पर उस समय एक राजा शासन करता था जिसका नाम था, जिसने उपाधि धारण की थी, उपाधि कोई राजा था जिसने उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की। तो ये कहाँ पर था, उज्जैन में था, ठीक है, कहाँ पर था, उज्जैन पर था, याद रखेंगे बिल्कुल, विक्रमादित्य। तो इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है ये कब, तो कब था इसका तारीख याद देखेंगे, तारीख विधान, क्योंकि विक्रमादित्य का संबंध विक्रम संवत से, क्योंकि विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी, ध्यान देंगे। ये कोई गुप्तोत्तर काल का शासक नहीं है, अक्सर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये विक्रमादित्य अलग हैं, ठीक है। तो ये उज्जैन के राजा होते हैं, विक्रमादित्य होते हैं, और 58 ईसा पूर्व या फिर 57 ईसा पूर्व, दोनों में कन्फ्यूजन, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग चीज़ें मिलती है। यहाँ से आयोग प्रश्न पूछ चुका है, जब उसको जो प्रश्न पूछना होगा तो वो या तो 58 देगा या तो 57 देगा, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है। तो दोनों चीज़ दिमाग में रखेंगे, 58 ईसा पूर्व या 57 ईसा पूर्व, लगभग, ठीक है, इन्हीं दोनों में से रहेगा, 56 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, या 59 नहीं होगा, 58 ईसा पूर्व या 57 ईसा पूर्व रहेगा। तो विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व 57 ईसा पूर्व के समय थे ये, और इन्होंने उस समय क्या किया, सरकों को पराजित किया, सक आए और उज्जैन पर जब ये लोग गए हैं तो काफ़ी शासन किया, तो वहाँ पर विक्रमादित्य ने इनको क्या किया, पराजित किया। विक्रमादित्य उस समय उज्जैन के राजा थे, और जब सकों को पराजित करते हैं तो उसी समय ये विक्रम संवत की शुरुआत करते हैं। और चूंकि ये क्षेत्र कहाँ पर है, जैसे मैंने बताया कि मालवा में है, तो इसीलिए विक्रम संवत को मालवा संवत के नाम से भी जाना जाता है। तो विक्रम संवत अर्थात मालवा संवत एक ही है, तो मालवा संवत पूछे या विक्रम संवत, ऐसे सामान्य तौर पर विक्रम संवत ही पूछा जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा ही परीक्षा में प्रश्न अगर थोड़ा भी टेढ़ा करते हैं लोग घुमाते हैं तो मालवा संवत दे देंगे, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि विक्रम संवत विक्रमादित्य से संबंधित है, और विक्रमादित्य उज्जैन में होते हैं, उज्जैन कहाँ है, मालवा के क्षेत्र में था, इसीलिए मालवा संवत नाम पड़ता है, और मालवा संवत अर्थात 58 ईसा पूर्व या 57 ईसा पूर्व होगा। अब आते हैं एक शासक है उस समय, उसी समय आते हैं सकों के समय में ही, एजेज प्रथम, तो इनका नाम भी याद रखेंगे हल्का सा। एजेज प्रथम कहाँ थे उस समय, पूर्वी पंजाब, जो जैसा कि मैंने बताया कि पंजाब में भी इन्होंने शासन किया है, तो पूर्वी पंजाब में ईरानियों की सत्ता का विनाश किया इन्होंने, तो किसने किया, एजेज प्रथम ने, तो ईरानियों की सत्ता को किसने हिलाया या नष्ट कर दिया, तो किसने किया, एजेज प्रथम ने, जैसे कि यहाँ पर महावेज है, तक्षशिला में इसने शासन किया इसने, और फिर शकों को पराजित किया उज्जैन में, क्योंकि उज्जैन में भी ये लोग गए तो वहाँ पर शक पराजित होते हैं, वैसे ही जो एजेज प्रथम था ये कौन था, सख्त शासक था, तो सख्त शासक था जिसने क्या, पूर्वी पंजाब में यूनानी उस समय शासन कर रहे थे, क्योंकि यूनानी सबसे पहले आए थे, तो यूनानियों की सत्ता का विनाश करते हैं और पूर्वी पंजाब में शासन शुरू करते हैं। तो एजेज प्रथम का भी नाम हल्का दिमाग में रखेंगे। अब देखते हैं शकों के समय में आप लोग एक नाम पढ़ते हैं, जे नाम है छत्रप प्रणाली, और इसी से नाम पड़ा है छत्रप, याद देखेंगे बिल्कुल। छत्रप का संबंध किससे है, सबसे ज्यादा जोड़ा जाता है छत्रप नाम किसके आगे जोड़ा जाता है, रुद्र दामन से जोड़ा जाता है, याद रखेंगे, छत्रप रुद्र दामन के लिख के आता है, छत्रप राजा रुद्र दामन, ऐसा आपको इतिहास में कई जगहों पे लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, छत्रप राजा या छत्रप शासक रुद्र दामन लिखा जाता है, तो यहाँ पे एक छत्रप प्रणाली चलती थी। छत्रप प्रणाली में क्या होता था, लोग जब राजा चलते थे उनके ऊपर छाते की तरह होता था, वो ढके रहते थे, छत्री जैसे छत्री होती थी, छत्रप होता था, इसी को बोलते थे छत्रप शासन प्रणाली। तो छत्रप शासन प्रणाली में राजा के मतलब कि उसके लिए मतलब उसके मतलब उसका भौकाल बढ़ा रहे, भौकाल ज़्यादा रहे उसका,
तो भौकाल को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, उसके ऊपर छाता लगा देते थे जिससे उसको धूप ऊप ना लगे, तो एक तरह से एक वैभव क्रिएट करते थे उसके लिए। ठीक है, तो छत्रप शासन प्रणाली है, छत्रप शासक रुद्र दामन का नाम आता है तो याद रखिएगा रुद्र दामन किसमें था, सकों में था। इसका मतलब जब छत्रप शासक लिखा है इसका मतलब समझ लीजिएगा कि छत्रप शासन प्रणाली का कहाँ किसकी है, तो सकों की है। और रुद्र दामन का किसका कौन शासक था, शकों का शासक था, मतलब शक शासक था वो। ठीक है, तो याद रखेंगे छत्रप शासन प्रणाली यानी शकों ने लेके आए थे, और शकों को छत्रप भी कहा जाता था, ये भी याद रखेंगे किसे छत्रप कहा जाता था, शकों को छत्रप कहा जाता था। अब ध्यान दें यहाँ पर कि पश्चिम भारत के शक वंश कौन से हैं, पश्चिम भारत के शक वंश। ठीक है, तो एक जो थे पश्चिम में, एक तो उज्जैन जैसा कि मैंने जिक्र किया है, और दूसरा क्या है महाराष्ट्र। अब देखेंगे महाराष्ट्र में कौन कौन शासन कर रहे थे, तो जो महाराष्ट्र में जो शक शासक कर रहे थे, शासन कर रहे थे, उनका नाम था छहरात वंश। तो छहरात वंश किस किन शासकों से संबंधित है, शकों से संबंधित है छहरात वंश। और छहरात वंश में दो नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक है भूमक जो कि पहला शासक था छहरात वंश का, और दूसरा था नहपान। तो नहपान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में दो लोग थे भूमक और नहपान जो कि छहरात वंश थे, और छहरात वंश शक से संबंधित है, तो नहपान काफ़ी महत्वपूर्ण है। उज्जैन में जब जाते हैं तो एक वंश की शुरुआत होती है शकों द्वारा जिसका नाम होता कर्दमक वंश, कर्दमक वंश। तो कर्दमक वंश यानी इसमें कौन कौन से शासक थे, ध्यान देंगे यशोमतिक नाम था, और यशोमतिक का पुत्र था चष्टन, और चष्टन के बाद आता है रुद्र दामन, जैसा मैंने बताया छत्रप शासक रुद्र दामन। अभी रुद्र दामन का भी जिक्र करेंगे हम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, रुद्र दामन नाम काफ़ी फेमस है। जो यशोमतिक, यशोमतिक का पुत्र होता है चष्टन आता है, और चष्टन के बाद रुद्र दामन आता है कहाँ पर, कर्दमक वंश में, तो उज्जैन है। अब देखते हैं जैसा कि मैंने बताया आपको महाराष्ट्र में जब जो शासक जो भी शक वंश शासन कर रहा था उसमें नहपान काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नहपान में कौन है, तो नहपान ने एक बहुत बड़ा काम किया था, इन्होंने नहपान उस समय आता है शक शासक, और इसने सातवाहनों की ज़मीनों को, यानी महाराष्ट्र में है ना, तो महाराष्ट्र की ज़मीनों काफ़ी पर कब्जा कर लिया था, काफ़ी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया था इन्होंने। लेकिन उसी समय आता है गौतमी पुत्र शतकर्णी जो कि सातवाहन शासक का महानतम शासक गिना जाता है, जिसे एका ब्राह्मण और वर्ण व्यवस्था का संरक्षक कहा जाता है। तो सातवाहन शासक गौतमी पुत्र शतकर्णी, एका ब्राह्मण, एकमात्र ब्राह्मण, ठीक है, तो इसको संज्ञा दी गई है, वो क्या आता है नहपान को पराजित कर देता है। तो क्या कर देता है, नहपान को पराजित करता है, इसीलिए नहपान का नाम काफ़ी फेमस है इतिहास में। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम, जैसा कि मैंने बताया उज्जैन में रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख याद रखेंगे, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख है, अभी इसके बारे में जिक्र करेंगे। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो रुद्र दामन के प्रशासक थे, जो इसके मतलब से राज्यपाल कह सकते हैं या प्रशासक जो इनके सहयोगी थे, काफ़ी इनका उच्च स्थान था उनके शासन प्रणाली में, ठीक है ना। तो रुद्र दामन के प्रशासक थे, उनका नाम था सुविशाख, काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, सुविशाख ही आता परीक्षा में। तो रुद्र दामन के प्रशासक सुविशाख द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया था, सुदर्शन झील याद रखेंगे, बिल्कुल सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया था बिना बेगार के, ये भी प्रश्न है, बिना बेगार के याद रखेंगे, बिना बेगार के, ठीक है, बेगार का मतलब क्या होता है याद रखिए, बेगार का मतलब होता है, अगर सीधे अर्थ निकालेंगे, बेगार का मतलब बिना पैसे दिए। तो यहाँ पर बिना पैसे दिए हैं, और हमने यहाँ पर जोड़ दिया बिना बेगार, मतलब कि पैसे देकर इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, किसने, सुविशाख ने, और सुविशाख किसका प्रशासक था, रुद्र दामन का। तो रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख में जो सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के बारे में जिक्र किया गया है। एक चीज़ और जानेंगे कि जूनागढ़ अभिलेख जो था ऐसा पहला अभिलेख था जो संस्कृत में लिखा गया था, और काफ़ी बड़ा अभिलेख था। तो इतिहास में जूनागढ़ अभिलेख एकमात्र अभिलेख है, एक पहला अभिलेख और एकमात्र अभिलेख कह सकते हैं जो संस्कृत में लिखा गया हो, पहला अभिलेख जो प्राप्त हुआ जो काफ़ी बड़ा भी था और संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे जूनागढ़ अभिलेख किसका, रुद्र दामन का अभिलेख है। अब देखेंगे कि शकों ने कब तक शासन किया, तो लगभग जब ये आते हैं लगभग 250 वर्षों तक इन्होंने क्या किया, शासन किया शकों ने। लेकिन अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो गुप्त शासन के बारे में पढ़ेंगे,
ठीक है। तो गुप्त शासन मतलब कि गुप्त शासन में एक शासक आता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके शकों का समूल नाश कर दिया। तो शकों का समूल नाश करने वाला शासक कौन था? गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। और शकों का नाश करके इसने इसने क्या किया, याद रखेंगे, सकार की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि की? सकारी, याद रखेंगे, सकार की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि शकों का अंत किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश का शासक, और उसने शकों को पराजित करके सकार की उपाधि धारण की। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे, काफी परीक्षा में आ चुका है प्रश्न ये। अब आते हैं हम सीधे पहलों पर, पार्थियाई। पहलो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इससे बहुत ज्यादा आंकड़े भी नहीं है उपलब्ध है इतिहास में, कुछ विशेष कार्य भी नहीं किए, लेकिन थोड़े बहुत जो भी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहलो पार्थियाई संस्थापक कौन थे? तो मिथ्रिडेटस, यहाँ देखेंगे, मिथ्रिडेटस प्रथम ये संस्थापक थे, लेकिन प्रथम शासक कौन हुआ? उसका नाम था माउस। तो माउस कौन था? पहलो शासक था, प्रथम शासक था पहलो वंश का, तो उसका नाम था माउस। और सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ, उसका नाम था गोंडोफर्निस। गोंडोफर्निस का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि इसके शासनकाल में ही पहला प्रथम ईसाई आया था, उसका नाम था सेंट थॉमस। सेंट थॉमस प्रथम ईसाई था भारत में, प्रथम ईसाई आने वाले जो व्यक्ति था जो ईसाई धर्म का था, वो उसका नाम क्या था? सेंट थॉमस। और किसके शासनकाल में आया था? तो पहलो के शासनकाल में आया था। और कौन सा शासक था? तो गोंडोफर्निस था, याद रखेंगे, गोंडोफर्निस। और बाद में ये सेंट थॉमस क्या होता है, दक्षिण चला जाता है तमिलनाडु, और वहीं पर इसकी हत्या कर दी जाती है। सेंट थॉमस की हत्या कर दी जाती है कहाँ पर? तमिलनाडु में, ठीक है। पहलों ने द्रक्मा नाम का एक चांदी का सिक्का चलाया था। द्रक्मा चांदी सिक्का कहाँ, किसके शासन में चला? पहलों के शासन, द्रक्मा, याद रखेंगे, द्रक्मा। और इसी के समय में एक अभिलेख है जिसका नाम है तख्ते बही अभिलेख, जो पेशावर में है। कहाँ पर है? पेशावर में है। और किस लिपि में? खरोष्ठी। और पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान, जैसा कि मैंने बताया, कि पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और आर्य माइग्री कहाँ से? अफगानिस्तान से। अन्य ब्राह्मी वगैरह की लिपियाँ जो है, ब्रह्मी लिपि कहाँ से मिली है? भारत में, ठीक है। अब आते हैं जहाँ तख्ते बही अभिलेख जो है पेशावर, जो कि पेशावर में मिला है, जिसमें गोंडोफर्निस को क्या कहा गया है? गुद्दू वहर, याद रखें, गुद्दू वहर किसका नाम है? गोंडोफर्निस का, जो कि कहाँ मिला है, इसमें चर्चा कहाँ की गई, इसकी कहाँ इसका उल्लेख है? तो तख्ते बही अभिलेख, जो कि पेशावर में, किस लिपि में? जान जाएंगे, पेशावर जब कह दिए तो इसका मतलब वो खरोष्ठी लिपि में ही हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे इम्पोर्टेंट नोट, देखेंगे शक जो थे, या देखेंगे जो कि जो शक थे उनको सीथियन कहा गया है, किसके द्वारा? शक को सीथियन कहा गया, किसके द्वारा? भारतीय स्रोतों के अनुसार। और शकों को सही या सही बाग कहा गया है, सही कह, याद रखेंगे, दूसरा अपने आप ही जान जाएंगे, सही बाग, तो सही, याद रखिए, सही या सही बाग किसके द्वारा? चीनी लेखकों के द्वारा शकों को कहा गया है। तो शकों को सही या सही बाग कहा गया है। अब आते हैं, जैसा कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसका उत्तर बताने का समय आ गया है, आप लोगों ने अपने आंसर दे दिए होंगे कमेंट में, और आइए हम आपको आंसर बताते हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में भारत किसका ऋणी है? तो ज्योतिष की शिक्षा भारत ने यूनानियों से प्राप्त की, किससे? यूनानियों से, याद रखेंगे। तो भारत किसका ऋणी है? यूनानियों का। और इंडो ग्रीक यूनानी प्रथम विदेशी आक्रमण भारत में, ठीक है। दूसरा देखते हैं, भारत पर यौनों यानी यूनानियों द्वारा इंडो ग्रीक का प्रथम आक्रमण होता है। इंडो ग्रीक देखेंगे, इंडो ग्रीक का प्रथम आक्रमण होता है किस शासक के काल में हुआ? जो मौर्योत्तर काल में। और देखेंगे तो मौर्योत्तर काल कहाँ शुरुआत होती है? ब्राह्मण वंश से शुरुआत होती है। और ब्राह्मण वंश की शुरुआत कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग करता है। तो पुष्यमित्र शुंग किसकी हत्या करता है? वृद्ध की हत्या करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही इंडो ग्रीक का आक्रमण भारत में प्रथम बार होता है। तो देखा आप लोगों ने, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था और काफ़ी आपको जानकारी यहाँ से मिली होगी, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।